हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फील्ड पैटर्न्स गिवन इन द फिगर इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। इस क्वेश्चन में हमारे पास चार फील्ड पैटर्न्स दिए हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए जो वैलिड पैटर्न होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इट मूव्स अवे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो अवे मूव करती है फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड मूव्स टूवर्ड्स और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव फील्ड के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए वो अवे मूव करती है, नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स मूव करेगी। और सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो होती है कि इट डज नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कोई भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी हो गई। वैसे ही हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। तो हमें पता है कि सपोज हमारे पास एक मैग्नेट प्रेजेंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा मैग्नेट के वजह से कुछ इस तरीके से होगा। तो फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ से ओरिजिनेट करेगी और साउथ पे एंड हो जाएगी। नॉर्थ से ओरिजिन करेगी साउथ पे, और अंदर की तरफ जो लाइंस होगी वो साउथ से ओरिजिनेट करेगी और नॉर्थ की तरफ जाएगी। और हमें पता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है। इसको हम लोग फैराडेज लॉ भी बोलते हैं। तो हम लोग एक एक करके अभी ऑप्शंस चेक करते हैं कि कौन सा पैटर्न दोनों के लिए सही रहेगा। तो अगर ऑप्शन देखें हम लोग, ऑप्शन ए देखें, तो ऑप्शन ए जो है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन है, पैटर्न है। तो ये जो है वो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को नहीं बताएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर नहीं होगा। सिमिलरली ऑप्शन बी देखें तो ये नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड हो जाएगा। और ऑप्शन डी देखें तो तो ये फील्ड लाइन्स ड्यू टू मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू मैग्नेट बता रहा है। तो ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो प्रेजेंट है, बट हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। तो देयरफॉर ऑप्शन डी जो है वो खाली मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड्स को बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। हम लोग चेक करते हैं कि ऑप्शन सी राइट आंसर कैसे होगा। तो हमें पता है कि सपोज हमारे पास एक वायर है, स्ट्रेट वायर आए, और जिसमें करंट आए है, तो इसके अराउंड राइट हैंड थंब रूल से इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में जनरेट होगा। तो कुछ इस तरीके से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसका डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। तो ये अगर हमारे पास एक वायर होगा तो हम लोग को सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल सकती है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो सकती है सर्कुलर फॉर्म में। तो अभी चेक करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो सकती है कि नहीं सर्कुलर फॉर्म में। तो अस्यूम करते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप प्रेजेंट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इन टू द पेज प्रेजेंट है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रेजेंट है। तो हमें पता है फैराडेज लॉ से हमें पता है कि जो ईएमएफ होता है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे और फ्लक्स जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है। तो एरिया यहाँ पे कांस्टेंट है, तो एरिया को अगर बाहर ले ले तो ये आ जाएगा डी बी अपॉन डी टी। तो सिंस मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है
ईएमएफ की वजह से करंट भी इंड्यूस होगा। अभी जो इंड्यूस करंट होगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, वो जो चेंज है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, चेंज को वो अपोज करेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रही थी, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा। और ये जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक करंट मूव करेगा आए। तो सिंस करंट इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है ये किसके वजह से होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के वजह से तो मोशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी हमें नेसेसरी होता है मोशन के लिए। तो ये जो मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में प्रेजेंट होगी। हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का भी मोशन जो है वो सर्कुलर लूप्स में फॉर्म हो रहा है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन सी जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैटर्न्स को डिफाइन कर रहा है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।